और हमें यह बताने की चेष्टा करता है कि उसके पास आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम है आप उसके झांसे में आते हैं आप उसकी सुनते हैं और आपको कोई ना कोई लालच या कोई आपको ऐसी चीज जिसमें आप एजुकेटेड नहीं है आपके पास वो नॉलेज नहीं है आप अपना गाड़ी कमाई का पैसा उस इन्वेस्टर के हाथ में दे देते हैं अब वो इन्वेस्टर आपसे आगे क्या चाहता है केवल कमीशन इंटरेस्ट जो आगे जाके आपको बाकी और मेंबर्स से जो कि इस स्कीम में आएंगे बनेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा इन महाशय को देंगे जो कि इस स्कीम को बनाए हैं और इस स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं इसका मतलब आगे आने वाले व्यक्तियों से इकट्ठा किया हुआ पैसा पीछे वाले व्यक्तियों को जो पहले मेंबर बन चुके हैं उनको वापस लौटाना या उस कमीशन देना या इंटरेस्ट देना ये सब बातों में अब आप फंस चुके हैं या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आप समझ जाइए कि ये एक पूंजी स्कीम है और अगर आप पहले बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आप इस पूंजी स्कीम का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे और औरों को भी नहीं बनने देंगे जैसा कि आप नेक्स्ट स्क्रीन में भी देख सकते हैं अगर आप देखें तो यह पूंजी स्कीम यूजली अट्रैक्ट न्यू मेंबर्स ओनली बाय ऑफरिंग रिटर्न्स दैट अदर इन्वेस्टमेंट्स कैन नॉट गारंटी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देट आर ईदर एब हाई और अनयूजली कंसिस्टेंट कहीं कहीं ये देखा गया है कि ये स्कीम आपको 80 परसेंट हंड्रेड परसेंट तक का रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट पर दे सकती है जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है प्रमोटर्स उस स्कीम को लाने के बाद या जब वो आपका पैसा नहीं लौटा पाएंगे दे वैनिश एंड दे टेक ऑल योर मनी रिमेनिंग इन्वेस्टर्स मनी एंड देन दे रन अवे and you are just feeling cheated that some fraud has been there since starting of the scheme and your hard earned money has been looted and you feel cheated actually but uska hissa banne se agar red flag ke bare red flag humne apne dimag हमने पूंजी स्कीम या किसी भी स्कीम को पूंजी बनने से या समझने से पहले अपना थोड़ा सा दिमाग अपनी थोड़ी सी दहरता दिखाई होती तो आज मेरी हार्ड अर्न मनी मेरे पास ही होती वो किसी भी ऐसे फ्रॉडुलेंट पूजी स्कीम में नहीं लगती आगे आप देख पाएंगे आ, कि ये कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो आपको चेक करने होंगे इन पौजी स्कीम्स को लेकर ये कुछ टिप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी ये समझने के लिए कि पौजी स्कीम को हम स्पॉट कैसे करें कैसे पहचाने जैसा मैंने पहले भी आपको बताया अगर आपको किसी स्कीम को यह समझना है कि क्या वो कोई गलत स्कीम है पौजी स्कीम है तो वो अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं केवल और केवल प्राइवेट सर्कुलेशन में है किन्नी लोगों के हाथों में जा रहा है वो कहीं और नहीं लगाया जा रहा है ना कोई प्रोडक्ट ना सर्विस में वो आपको हाई रिटर्न विद मिनिमम रिस्क के लिए कह रहा है क्या आप ये मानते हैं आप अगर नहीं मानते हैं तो ये पहुंची स्कीम है बिकॉज हाई विद मिनिमम रिस्क नहीं हो सकती ओवरली कंसिस्टेंट चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है चाहे फाइनेंशियल मार्केट ऊपर जा रहा है इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं आरबीआई क्या कह रहा है बाकी फाइनेंशियल मार्केट क्या कह रहा है इन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है बट ये कंसिस्टेंटली जो आपसे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपको 24 परसेंट का ब्याज देंगे वो आपको 24 परसेंट दे पा रहे हैं बट एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम वो इस इंटरेस्ट को आपको नहीं दे पाएंगे और उस दिन आपको ये पता लगेगा कि ये पहुँची स्कीम थी अनलाइसेंस सेलर अगर आपका सेलर आपका एडवाइजर अनलाइसेंस्ड है उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है या आप ये समझ पा रहे हैं कि उसके पास कोई एजुकेशन या ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि सेबी या किसी और संस्था के द्वारा दी गई है तो आप थोड़े चौकस हो जाएं, कॉशियस हो जाएं और आप उस स्कीम में अपना पैसा डालने से बचें पौजी स्कीम का एक बहुत बड़ा आ, एक डिसीजन होता है कि आपको स्कीम और पौजी स्कीम में अंतर कैसे करना है आप नेक्स्ट देख सकते हैं अगर आप देख पाएंगे तो नॉन ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स हैं यह कोई भी इंस्टीट्यूशंस कोई डिस्क्लोज नहीं करते ना अपनी बैलेंस शीट के बारे में बताते हैं अकाउंट्स के बारे में बताते हैं कितने मेंबर्स बनाए कितने उन्होंने रुपए कमाए आपसे कितना ब्याज कमाया आपसे लिया हुआ पैसा वो कहाँ दे रहे हैं ये कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी और आप ये फील करेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जब तक आपका पैसा या आपका कमीशन और इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में या आपके हाथ में आ रहा है आपको जिस दिन ये पता लग जाए कि आपको अपना पैसा वापस लेने में कुछ डिफिकल्टी हो रही है एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ कोट कर सकता हूं आपको हर महीने सात तारीख दी जाती है कि आप अपना पैसा वापस लीजिए और आपका इंटरेस्ट भी वापस लीजिए जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बट आपने ये जाना कि ऐसा होते हुए दो महीने हो चुके हैं आपको ना तो पैसा आया और ना ही इंटरेस्ट आया जब भी आप उस एडवाइजर के ऑफिस जाते हैं तो आपको यह मालूम होता है कि वो अभी इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल मनी बिल्कुल सेफ बता रहा है और थोड़ा और वेट करने के लिए बोल रहा है जहां वो वेट करने के लिए बोल रहा है आपकी आंखें तुरंत खुल जानी चाहिए और वो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई पौजी स्कीम का मैं शिकार हो चुका हूं इमीडिएटली आपको एक्शन में आ जाना चाहिए रेगुलेटर पुलिस आप जहां जानकारी देना चाहें आपको वो जानकारी जाकर दे देनी चाहिए अब ये माना जाता है कि पिरामिड स्कीम और पौजी स्कीम में क्या अंतर है बहुत सीधा सा अंतर है पौजी स्कीम वो स्कीम है जिसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है बट जो पिरामिड स्कीम्स हैं वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से और लोगों को लाने के लिए आपसे बोलता है और मेंबर्स बनाने के लिए बोलता है और आप कहीं ना कहीं एक चेन सिस्टम में आ जाते हैं और ये चेन सिस्टम जहां पर भी कम पड़ता है ढीला पड़ता है नीचे आता है तो आपका पैसा डूबने के कगार पर होता है आप अगर देख पाए अगर एक एग्जाम्पल के साथ सो इन ए सिंपल एग्जाम्पल द ऑर्गेनाइजर टेक्स मनी फ्रॉम अदिति ऑन द बेसिस दैट ही हैज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर हर नाव हाउर इन द नेक्स्ट गोज टू द नेक्स्ट पर्सन मे बी नेक्स्ट पर्सन मे बी एक्स और वाई एंड वेन यू मेक फर्दर चेन आई थिंक दैट चेन में ब्रेक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड योर मनी इज जस्ट बींग लूटेड नाओ पौजी स्कीम को और पिरामिड स्कीम को समझने के बाद आपको uh, money और money related एक और स्कीम को समझना चाहिए जो कि शायद मल्टी लेवल मार्केटिंग हो सकती है ये एम आजकल बहुत प्रिवलेंट है हमारे देश में बाहर भी हैं और इन पर भी कुछ ध्यान दिया जाना जरूरी है अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी डिस्कशन हो चाहे का हो देन आपको शायद एमएलएम को यहां देना पड़ेगा नाउ मेक्स सम मनी थ्रू इंडिविजुअल्स एंड दैट कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट्स वाइल पार्टिसिपेंट्स मेक मनी बोथ फ्रॉम द सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड टेकिंग ए कट ऑफ अर्निंग फ्रॉम दोज हु आर चर्स्ट वर्किंग अंडर दैम हमारे देश में सब लोगों को और बहुत लोगों को ये जानकारी है कि कुछ कंपनियां जैसे एम वे कंपनी हैं जो प्रोडक्ट में डील करती है मेंबर्स बनाते हैं मेंबर्स और आगे मेंबर्स बनाते हैं और वहाँ एक एम uh, की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो प्रोडक्ट्स को लेकर है ऐसी प्रक्रिया किसी सर्विसेज को लेकर भी हो सकती है और इसकी जानकारी आपको uh, पहले होनी चाहिए कि क्या कि ये कोई रेगुलेटेड एमएलएम है ये कोई लाइसेंस एमएलएम है और इस जानकारी के होते ही आपको ये पता लग जाएगा कि क्या ये एमएलएम कोई पिरामिड स्कैम तो नहीं है यह कोई पौजी स्कीम तो नहीं है इसकी जानकारी आप आगे अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे कि कुछ ऐसे एंडलेस डिबेट्स हैं जो इस एम को जन्म देते हैं लेकिन सारी एम एम या मैं ये कहूँगा विद ऑल डिस्क्लेमर दैट सारी एम गलत नहीं होती हैं बट लेजिटिमेट एम एम को भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब तक आपका पैसा वापस आ रहा है आपका कमीशन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तब तक ये पैसा आपका सुरक्षित है और जिस दिन आपने रेड फ्लैग को पहचान लिया ये पैसा आपका और सुरक्षित हो सकता है तो इस जानकारी के साथ कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज किस तरह से काम करती हैं और आपको उन कंपनीज के साथ कब और कैसे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए ये जानकारी आपको अपने दिमाग में रेड फ्लैग को खड़ा करके ही मिल पाएगी और आप अपने को रोक पाएंगे कि आपको इन एम का हिस्सा नहीं बनना है कुछ एम एल स्कीम्स होती हैं जो आपको एल्यूर करती हैं अपना पार्ट बनने के लिए वो आपको ऑफर करती हैं बहुत अच्छा कमीशन बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स वो आप अगर डाउन द लाइन काम नहीं कर पाते तो वो आपको एक्सपेंसिव सेमिनार्स और कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव फीस आपसे चार्ज करती हैं तो कहीं ना कहीं आपसे पैसे की उगाही लगातार चलती रहती है तो आप चौकस हो जाएं आप कॉशियस हो जाएं कि आपके लिए क्या जरूरी है और आपके लिए क्या जरूरी नहीं है अगर आप एम एल और पिरामिड स्कीम्स को समझना चाहेंगे तो ये डिफरेंस भी बहुत आसान है आप समझ सकते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी लेजिटिमेट एलएमएल एमएलएम जो होती हैं वो लेजिटिमेट होती हैं दे आर अल्टरनेट टू पिरामिड स्कीम्स बट टाइमली उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है नाउ कुछ रिपोर्ट्स ये आपको बताती हैं कि काफी एम ने ग्लोबली पैसे को डुबाया है दे लॉस मनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड दैट इज वाई दैट स्टेटिस्टिक लोन शुड गिव यू अ पॉज रुक जाइए आप फॉर ए एट Before investing your money in these MLM as well, maybe for the purpose of buying any product or offering your services, so these MLM may become sometime fictitious, sometime maybe fraudulent, and they may cheat you like a Ponzi scheme. Now let's understand that uh, how caution against unregistered investment advisor is there. It means whenever you are the part of uh, a uh, scheme you are intending to invest somewhere. So SEBI is there which registers investment advisors under the SEBI Investment Advisor Regulation 2013. It means any person who does have the education, the professional background, it may approach the SEBI who for consideration is also engaged, that person is engaged in any business of providing investment advice to clients like you actually or other persons or group of persons they may also include any person who holds out themselves as an investment advisor by whatever name called. वो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हैं वो हो सकता है आपके किसी और नाम से आपके इर्द गिर्द आपको इंट्रोड्यूस करें डिजिटल मीडिया के ऊपर आपसे कनेक्ट हो जाएं, फेसबुक पर आ जाएं, व्हाट्सएप पे आपको कॉल भेजें हेलो भेजें आपसे कॉल करें कॉल सेंटर के थ्रू आपको कॉल करें और वो कहें कि वो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे आप उनको एक बार मौका दें तो पूरी जानकारी उनके साथ आप जुटाइए अगर आपको लगता है कि आपको उनके साथ जाना है तो उनसे आप उनका लाइसेंस मांगिए उनसे आइडेंटिटी मांगिए उनसे उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पेपर्स मांगिए उनका आप आई कार्ड मांगिए आप उनकी पूरी जानकारी जुटाइए और फिर आप उनके ऊपर विश्वास करके आगे जाइए और धीरे धीरे आगे जाइए एक साथ अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उनके हाथ में आप मत दीजिए नाउ रियली कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के एडवाइस करता है दिस इज इलीगल इन्वेस्टर देयर फोर नीड टू बी अवेयर एंड दे शुड गार्ड देम सेल्व अगेंस्ट द अबव मैंशन प्रैक्टिस लाइक मे बी डीलिंग इन सम स्कीम्स और मे बी इन पिरामिड स्कीम्स इन सम एमएलएम स्कीम्स सो दो इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज एडवाइस टू टेक एडवाइस फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली फ्रॉम एंटिटीज

स्मार्ट बन के आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए डोंट गेट कैरियर अवे बाय ल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट और मार्केट रिमर्स बहुत बार देखा गया है कि कुछ सेलिब्रिटीज भी इसका हिस्सा बनते हैं और उन सेलिब्रिटीज के कहने पर आपको लगता है कि यह इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरा बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज वो सेलिब्रिटीज भी उस प्लेटफॉर्म को उस इन्वेस्टमेंट को यूज कर रहा है लेकिन जब आप देखते हैं आगे जाकर कि वो पहुंची स्कीम है तो आप अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं आगे आप देख पाएंगे डोंट रश एवरी टाइम डोंट रश फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट दैट डू नॉट मैच योर रिस्क टेकिंग एपिटाइट एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स आपको लगता है कि आप पांच हजार रुपए से ज्यादा रिस्क पर नहीं रह सकते तो पांच हजार रखिए आपको लगता है आप पांच सौ रुपए से ज्यादा रिस्क पर नहीं रह सकते मत रखिए आप धीरे धीरे चलिए इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे सिस्टमेटिकली करिए अवॉयड डूइंग ट्रांजेक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फोन कॉल्स मैसेजेस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हु आर रिप्रेजेंटिंग दोज एंटिटीज don't fall into the trap of those investment advisor either actually don't take decision just because of uh, repeated messages and repeated calls are being received uh, on your phones and you are uh, just becoming a friend of that advisor and on the pretext of that advisor you have invested your money and now you are feeling cheated actually now these are investors who have to do certain things actually before taking any decision so always ask From yourself, for your risk, profiling before accepting investment advice from the investment इन्वेस्टमेंट Approach the appropriate authority for redressal of grievances जहां भी आपको लगता है कि आपका कहीं फ्रॉडोलेंट एक्ट से सामना हुआ है या आपके साथ चीट किया गया है तो फौरन अपनी ग्रीवेंस लेके जाइए जैसे आ, आपका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड अथॉरिटीज भी इसके लिए एक जगह हो सकती हैं आप तुरंत सेबी को इन्फॉर्म करिए आप पुलिस में भी जा सकते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं आपके साथ अगर कोई आ, आ, ऐसा कोई ऐसा मामला सामने आया है जो कि फाइनेंशियल चीटिंग का मामला है आप आरबीआई जा सकते हैं बैंक्स में जा सकते हैं अगर आप देखें सो पे ओनली एडवाइजरी फीस टू योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कोई और उसको आप पार्ट मत दीजिए कोई कमीशन मत दीजिए मेक पेमेंट ऑफ एडवाइजरी फीस थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली आस्क ऑल रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स With investment advisor before acting on advice. Now be vigilant in transactions whenever it is being done on your behalf. Now these are do and don'ts for investing and trading in securities market. What are those? Always consult a CB registered investment advisor for your investment needs in securities market. Invest in a scheme or product which is depending upon your investment objective and risk appetite. Keep a record of documents signed, recount statement, contract notes. रिसीव्ड एंड पेमेंट मेड पूरा हिसाब किताब रखिए अपने ब्रोकर के साथ अपने एडवाइज़र के साथ और आप उससे मिलते रहिए वीक में मिलते रहिए हर दिन की एक्टिविटी को उससे लेते रहिए आप उसके साथ अपनी जानकारी को साझा करते रहिए अपने इन्वेस्टमेंट की ताज़ा जानकारी लेते रहिए और जहाँ भी आपको लगे कि कहीं कुछ गलत है फ़ौरन से रुकी और जाइए अपनी ग्रिवेंस को उठाने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने आप नेक्स्ट स्कीम में देखेंगे जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को आप किसी ना किसी उद्देश्य के साथ अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं टाइम के साथ लगाते हैं गोल्स के साथ लगाते हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहिए कि कहीं कोई ऐसी स्कीम का उसमें पार्ट तो नहीं है जो कल को आपके इस पूरे इन्वेस्टमेंट को कलअप्स कर दे डुबा दे ऑलवेज पे फॉर योर ट्रांजेक्शन्स यूजिंग बैंकिंग चैनल नो डीलिंग इन कैश आप किसी भी एडवाइजर को कोई कैश ना दें हमेशा बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग का आप इस्तेमाल करें एग्जामिन एंड रिव्यू योर ट्रेडिंग अकाउंट पीरियडिकली ये पीरियड आपका साइकिल हो सकती है ट्रेड साइकिल हो सकती है वीक हो सकता है मंथ हो सकता है ये आपकी ट्रेडिंग पे डिपेंड करेगा बट आप निगाह रखिए अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर और यही हमारा उद्देश्य रहता है आपको समझाने का ये आई का उद्देश्य रहता है आपको समझाने का कि आप कॉशियस रहें और हमेशा डिलीजेंटली अपने इन्वेस्टमेंट को आप आ, आ, करते रहें और अपने जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उसको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए अपने फ्यूचर के लिए संभाल कर रखते रहें नाव कुछ और मैं आपको डूज बताना चाहूँगा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप हमेशा अपडेट रखें अपने डीपी और ब्रोकर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए आपका कोई मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए आप कोई भी पिन किसी भी अपने जानकार से ना शेयर करें आपको कोई भी अगर जानकारी रखनी है तो कॉन्फिडेंशियल रखें ये आपको करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप नॉमिनेशन करना ना भूलें अपना कोई भी आपका किथन किन कोई भी रिलेटिव आपके कोई स्पाउस आपके बच्चे आपका कोई रिलेटिव कोई भी हो आप उसको नॉमिनेट करें एक से ज्यादा व्यक्तियों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं आप अपने एसएमएस को हमेशा चेक करते रहें कि कोई आपको कंफर्मेशन मेल या कंफर्मेशन कोई मैसेज आपको एक्सचेंज से मिला तो नहीं है आज अगर आपने या आपके अकाउंट से कोई ट्रेड हुआ है आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप

आपको कभी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स या अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स के साथ काम नहीं करना है आपको कभी भी आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन से ज्यादा किसी को भी अमाउंट नहीं देना है आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी एग्जीक्यूट करें आप उसको पढ़ लें समझ लें उसके बाद करें आपका कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास उस केवाईसी डॉक्यूमेंट को आप हमेशा अपने सामने रखें और उसका कोई भी हिस्सा जो आपने यूज नहीं किया ब्लैंक है उसको आप कट कर दें जो आगे कभी और गलत तरीके से यूज ना हो पाए किसी के नाम में आप पावर ऑफ टॉनी ना दें हमेशा ध्यान रखें आप ओपन किसी को पावर ना दें बहुत समझ कर यह अटॉर्नी या पावर आप किसी और को डेलीगेट करें या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को करें अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप इमीडिएटली रिटर्न कंप्लेन फाइल करें किसी भी इंटरमीडियरी रेगुलेटर पुलिस एक्सचेंज से भी इमीडिएटली और मैं कहूंगा रीजनेबल टाइम जैसे आपको यह पता लगता है कि आपके साथ कोई चीट हुआ है आप फौरन से यह जानकारी इन रेगुलेटर्स को दे सकते हैं डब्बा ट्रेडिंग एक प्रॉक्सी ट्रेडिंग होती है जिसमें आप मेन मार्केट रेगुलेटर को या मेन मार्केट को यूज नहीं करते हैं मेन प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते हैं और आप थर्ड पार्टी प्रॉक्सी को यूज करते हैं आप उससे बचिए और कभी भी आप कोई भी ब्लैंक स्पेस अगर आपके कि वैसी डॉक्यूमेंट में है तो आप उसको काट दीजिए आपके के वैसी डॉक्यूमेंट आज हर कोई चाहे वो फोन कंपनी हो क्रेडिट कार्ड कंपनी हो बैंक्स हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो लोन हो या कोई और हो हर जगह आपके के वैसी डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उन के वैसी डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत इस्तेमाल ना करें आपको इसका बहुत ध्यान रखना है आपको कभी भी जब आप डिजिटल कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए उन डिजिटल कॉन्टेंट के बारे में बात की जाइए आपको कभी भी इन पौजी स्कीम में नहीं या अनरजिस्टर्ड चिटफंड फंड में या अनरजिस्टर्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं पढ़ना चाहिए कुछ क्रिटिकल एनालिसिस है कुछ स्कैम्स uh, हुए इस देश में हमारे देश में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किस तरह से ऑब्जर्वेशन दी आप यहां समझ सकते हैं इन वन ऑफ द लैंडमार्क स्कैम केस रिसेंटली द ऑब्जर्वेशन विच वाज मेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज जस्टिफाइड फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव एज इट एम्फोसाइज द फैक्ट दैट हाउ दैट कंपनी ट्राई टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ वेरियस एक्ट लाइक सेबी एक्ट कंपनीज एक्ट एंड जियोपर The lives of so many legs of investor who mainly belong to the lower strata of the society and barely earned enough to keep their body and soul together. So this was the observation of uh, Honorable Supreme Court. So these cases, mass scam cases, have reached to the Supreme Court for the purpose of just determining who the couplet is. In my next slide, you may have an idea about uh, you know the second observation which was uh, uh, made by the Honorable Supreme Court of. Of India and this is relating to uh, something and uh, where Supreme Court, uh, uh, Honorable Supreme Court tried to, you know, understand that uh, how the group of people try to gamble the life of majority illiterate group of people, and who have less or no idea of the financial position of a company, and thus that is ambiguous about harnessing the opportunity to make benefit out of the scheme. Now such a scheme. A such a scheme which requires knowledge about performance of the company and company about basic knowledge about proper time turns such uh, you know instrument of debentures into shares and which would be a profitable for them. So how a poor man understand it? So such investors are unaware of the risk that comes along with the luring schemes and out of ignorance they put all their money in one hope given by such unscrupulous managers of these companies and the decision of the Honorable Supreme Court in every manner will be a major precedent which will act as a different deterrent for them not to involve themselves in such incoherent schemes. Actually, so you have a duty to just abide by some simple rules. बहुत सिंपल रूल्स हैं जो आप समझ भी पा रहे हैं ये सिंपल रूम्स आप जब समझते हैं तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए टाइम रहते आप डायग्नोस करें टाइम रहते आप पहचाने और टाइम रहते इन पहुँची स्कीम्स को पहचानें कि ये कौन है जो आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देने आए हैं नाउ हियर कुछ लॉ हैं कानून हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा आप, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है और इसका जो जुरस्डिक्शन है इसकी जो पावर्स हैं वो स्टेट को डेलीगेट की गई हैं तो जो Uh, BIRDS Act or uh, Chit Fund Act Pride, Chit Fund and Money Circulation Scheme Banning Act so banning of unregulated deposit scheme to, uh, nine, uh, 2019 uh, it was uh, introduced as an ordinance and therefore uh, a law which was governing specifically these Ponzi schemes and unregulated uh, deposit schemes came into picture actually now Centre government is really sincere and uh, that is passionately working towards the interest of uh, investment of uh, poor class, actually. And this poor class may uh, belong to such states where no strict act was made earlier. So, this uh, act will provide a breath, actually, uh, to the investors and they will give justice to these, actually. Companies Act and SEBI Act is uh, also one of the features where these uh, laws are there protecting the rights of these uh, small investors. now, these regulated deposit schemes, the, you know, birds act has uh, defined regulated and deposit uh, schemes and unregulated deposit schemes. the regulated deposit schemes are those schemes uh, which are being uh, regulated by way of a law. so these regulated deposit schemes, uh, and prohibits and penalizes. Uh, the acceptance of deposits under any schemes or arrangement which is not regulated at all by these authorities so thereby one of the characteristics of these uh, schemes actually or unregulated deposit schemes is that addresses the gaps which has been created in so many years after our independence by the superior jurisdiction under each of the regulating laws in different states now in addition penalty has been prescribed for the failure to return monies that are accepted by way of regulatory deposit schemes on maturity or in rendering any promised service in lieu of the deposit certain nbfcs are the best examples which are governed by the rbi act 1934 now this act also uh, you know talks about the creation of a data bank so far in our country these uh, identities of uh, major uh, you know uh, investment providers is uh, not there so this act has uh, uh, paved the way to create a centralized data bank where these investors and investment uh, uh, advisors can be just crystallized so that the data can work in the best interest of the small uh, investors now this uh, uh, act has also categorized certain designated courts and these designated courts will take on uh, these uh, you know, matters which will be uh, taken up under the uh, you know, uh, birds act and they will punish the culprit actually now this culprit uh, are nothing but the investment advisor who are running these uh, you know ponzi schemes now these schemes uh, and these uh, schemes are being or will be regulated by the designated courts these designated courts will be the subject matter of the states and you can very well now refer your grievance to these uh, courts and authorities now these are the Reserve Bank of India, which has shared certain signs of Ponzi schemes, uh, and these are schemes which offer rewards for enrolling friends, family, and appointing distributors, offer for free services from unknown entities and websites. Entities or salespersons is not authorized by the RBI or any other RDA and any other person. So these telephone call attractive marketing styles, these all are prohibited and has been cautioned by the RBI also. Now. In these situation, the Ponzi schemes may collapse. The promoters vanishes. New investments stop flowing in the system, and market forces prompt mass withdrawal of funds, creating an issue for the promoters. So, how the schemes uh, uh, collapse is actually? So, in the absence of easy availability of loans at reasonable rates for people, they are running towards small businesses or family, and where these committees are there actually? Now, these committees in the form of chit funds may also be one of the Ponji scheme please be cautious therefore now government of India uh, has uh, just promulgated certain acts and laws which are regulating these affairs so be cautious and uh, these are certain current news which may be just for the use of you so so ये जो प्रोग्राम रहा उसमें आप लोगों ने लॉ के बारे में जाना और ये जाना कि आपको किसी भी स्कीम में जाने से पहले जो रेड फ्लैग्स हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं कैसे बनाने हैं कैसे सोचना है और कैसे एजुकेशन लेनी है आपको किन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाना है आपको अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा किस तरह से यूज़ करना है इसी के साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देता हूँ आशा करता हूं कि आपने आज के इस डेलीब्रेशन से इस टॉपिक से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आगे आप इस सीख को अपने आगे भी दे पाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार